हे फ्रेंड्स, तो टाइटल के अकॉर्डिंग क्विक अपडेट में बात करते हैं डॉन 3 की आई हुई फरहान अख्तर की तरफ से ऑफिशियल अपडेट की, जिस अपडेट को उन्होंने खुद के ट्विटर हैंडल के साथ साथ बाकी कई जगह पर जहां पर भी वो ऑफिशियली पाए जाते हैं उस पर उनकी कंफर्मेशन यही है कि हाँ, वो इस काफी ज्यादा ट्रोल से डरते हुए अपना एक स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं। यानी वो भी टीजर के बाद जितनी बुरी तरीके से रणवीर के साथ साथ ट्रोल हुए हैं उस पर उनकी क्लियरिफिकेशन आनी ही थी, ताकि जहां तक मुझे पता है कि वो इस पर सफाई देकर कहीं ना कहीं ऑडियंस को शांत करना चाहते हैं। यानी देखा जाए तो वो डॉन 3 को लेकर के अपने इस विजन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन रिलीज डेट 2025 काफी ज्यादा टाइम है, जिसके लिए मुझे लगता है कि वो अभी से ही अगर हाइप बनाएंगे रणबीर कपूर को लेकर के तो ही बात बनेगी, वरना फैंस यानी कि एसआर के फैंस उन्हें कच्चा चबाने के लिए पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, जिस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं उसके ट्रेलर के रिव्यू में, जिन पर फिर से वापस बात कर कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, उनके स्टेटमेंट की बात की जाए तो जो चीज पहले सोर्स और मुझे भी पता चली थी उन्हीं के थ्रू, असल मायने में वही है कि उनकी इस राइटिंग पर एसआरके को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसे अगर मैं और खुलकर बताऊं तो शाहरुख खान डॉन 1 और 2 करने के बाद इस यूनिवर्स में कुछ भी नया एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कहानी के माध्यम से। यानी वो वही कैरेक्टर को लेकर के घिसे पिटे ट्रैक पर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिसमें वो बहुत सारे चेंजेस चाहते थे, लेकिन इस फिल्म को लेकर के चेंजेस मुझे नहीं लगता है कि फरहान अख्तर को गवारा है, इसलिए वो इस फिल्म को नए एक्टर यानी कि रणबीर कपूर के साथ मिलकर रणबीर कुछ अलग करने की कोशिश करने वाले है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हम सभी को सपोर्ट ही करना चाहिए। बाकी अगर आप ट्रोलिंग की लिस्ट में आते हो और एसआरके के उन कट्टर फैंस में भी जो डॉन 3 तीसरी जनरेशन इन सभी से पूरे डिसएग्री हो, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कुछ नहीं हो सकता। बाकी अगर इसकी टाइटल अनाउंसमेंट के अलावा टीजर काफी ज्यादा इंप्रेसिव और अगर एक्टिंग में रणबीर कपूर रणवीर कुछ अच्छा कर दे, तभी जाकर लोगों को डॉन 3 फिल्म पसंद आएगी। जिसका टाइटल और फिल्म की रिलीज डेट, परफॉर्मेंस, फिल्म बनती भी है या नहीं, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिन सभी पर बात करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।